ये किसान मसीहा सर छोटू राम जी, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया किसानों की सेवा के लिए। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि एक बार डीएसपी साहब को आ जाने दो, उनसे बात कर वो कर लें। मैं चलो कोई नहीं, एक बार आ जाएंगे बात कर लेंगे डीएसपी साहब से। हालत में अपने दूसरे की तरह नहीं, फिर हम जरूरत गेट आगे जिंदगी बैठ बैठ कर क्या करेंगे मेरी। हमारा उद्देश्य है, पर्पज ये है जी कि देखो जो ये बीजेपी सरकार किसानों की अधिकारी सरकार रही है, और उधर ये किसान मसीहा सर छोटू राम जी, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया किसानों की सेवा के लिए, और इस साइड आज इनका प्रोग्राम है। चलो ये प्रोग्राम करें, लेकिन इनके ऊपर बड़े बड़े झंडे लगा दिए गए हैं। ये एक तो इनकी आत्मा को भी आज स्वर्ग में बैठे बैठे भी रो रही होगी इनकी आत्मा कि देखिए कैसे एक हथियारी सरकार, इनके ये बैनर और पोस्टर लगे हैं चकुरदा में, इनको नहीं रहने देंगे। हाँ, ये प्रोग्राम करें, बेचिंत होकर करें। और इन्होंने आप देखे तिरंगा तो इन्होंने बेचा, और ये झंडे जैसे एक रद्दी का नहीं होता कोई टुकड़ा वो लगा लो जैसे फेंकते हैं हर जगह कहीं मर्जी देख लो आप, बीजेपी इनके पास ये झंडे तो आते हैं और तिरंगे की कीमत लगाते हैं। ये इतनी घटिया और भ्रष्ट सिस्टम है इनका, हम आज जो झंडे हैं ये सब हटाएंगे ऐसे। ये हमारे किसान साथियों के कॉल आ रहे थे आज कैथल से भी कल के भी, भाई ये गलत करके है। हम उनके साथ सारी बातें यूनियन में ही बात हुई थी, महावीर जल से ही बात हुई थी, भाई ये झंडे हम ऐसे यहाँ पर नहीं रहने देंगे। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? ये बोल रहे हैं कि एक बार डीएसपी साहब को आ जाने दो, उनसे बात कर वो कर लें। मैं चलो कोई नहीं, एक बार आ जाएंगे बात कर लेंगे डीएसपी साहब से। हमारा कोई रैली से या कोई इनसे वो नहीं है, ठीक है ये कुछ करो किसी ने बुलाओ, लेकिन हमें जो ये सर छोटू राम अपने किसान मसीहा यहाँ पे इनके झंडे बंदर नहीं रहने। नहीं फिर हम जरूरत गेट आगे जिंदगी बैठ बैठ कर क्या करेंगे हम जी। चल